और इस बीच भोपाल से एक बड़ी जानकारी, बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। कुछ ही देर में एक और बैठक होने वाली है। बैठक में युवा मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा के पदाधिकारी शामिल होंगे। बीजेपी जिला अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। बैठक में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। खजुराहो सांसद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा फिलहाल बैठक ले रहे हैं। इसमें खजुराहो में जो कार्यक्रम होना है उस पर मंथन लगातार चल रहा है, लेकिन एक और बैठक की जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है। कुछ ही देर में अगली बैठक शुरू होनी है। युवा मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा के पदाधिकारी शामिल होंगे। बीजेपी जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रदेश में तमाम कार्यक्रम है, रूपरेखा क्या रहेगी इसी को लेकर इस बैठक में भी मंथन होगा। तो ये बड़ी जानकारी, एक मेगा प्लान इस पूरे आयोजन को लेकर तैयार किया जा रहा है। सही कि शैलेंद्र इस पर जानकारी देंगे। शैलेंद्र, एक और बैठक के बारे में जानकारी साझा की रही है। शैलेंद्र, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, सवाल दो रही है एक बार। एक और बैठक के को लेकर जानकारी सामने आई है, क्या कुछ होना है इस बैठक में? देखिए, बिल्कुल मुद्दे वही है जिस तरीके से आगामी जो 30 तारीख से लेकर अगली 30 जून तक जो कार्यक्रम रहने वाले हैं उसको लेकर अलग अलग मोर्चों की जो बैठकें हैं वो आयोजित की जा रही है। जिस तरीके से कल महिला और जो ओबीसी मोर्चा है उसकी बैठक आयोजित की गई थी, और आज एक बड़ी बैठक आयोजित की गई जिसमें 4 मोर्चे, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, एससी मोर्चा और एसटी मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं प्रदेश के वो शामिल होंगे। इसके साथ ही जिलाध्यक्ष हैं वो सारे लोग शामिल होंगे। तो हर मोर्चे को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जा रही हैं इस 30 दिन के कार्यक्रम को लेकर। उसको लेकर बैठकों का दौर जो है बीजेपी में लगातार जारी है। पहले प्रदेश समिति होती है, उसके बाद जिला स्तर पर बैठकें होती है, और अब भोपाल मुख्यालय बुलाकर सभी लोगों को। चलिए देखना होगा क्या कुछ निर्देश सामने आते। बहुत शुक्रिया आपका चैलेंज जानकारी के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18।